रात हो गई थी, मैं कमरे में अकेली थी, दरवाजा लॉक था मेरा। मैं हुण जीवां के मर जावां। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हें ये क्यों कह रही हूँ। लेकिन तुम मुझे भी जानती हो, तुम्हारी और हैदर की शादी से बहुत खुश थी, एक उम्मीद बन गई थी कि खुशियां वापस आ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हैदर के दिमाग में क्या चल रहा है। हैदर ने ये सब क्यों किया? खुशियां, नियत, उम्मीद, मुझे इन सब पे बात नहीं करनी, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, हैदर ने ये सब क्यों किया? ऐसी नापाक ख्वाहिश पूरा करने के लिए जिस पर मुझ पर दबाव और धमकाने के बावजूद तो पूरा नहीं कर पा रहा था, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे मेरा दीन करने की इजाजत नहीं देता, और जब मैं उसकी जिद के आगे नहीं मानी तो उसे प्रोफेसर हुमायूं के केस पर पुलिस में FIR की एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में केस रीओपन हो गया। हैदर ने तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन? हैदर ने तुम्हें नहीं बताया? बताता भी क्यों, उसका मकसद सिर्फ हवस था और कुछ नहीं। मैं घर में अकेली थी, ताए अब्बू और ताए अम्मी सब गए हुए थे और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके पूछा था कि तुम कब घर आओगी। लेकिन किस वक्त मेरी बर्बादी का फैसला लिख चुकी थी, रात हो गई थी, मैं कमरे में अकेली थी, दरवाजा लॉक था मेरा। हैदर दरवाजा तोड़ के अंदर आया और उसने कहा कि अगर तुम मेरी नापाक ख्वाहिश को पूरा कर दो तो मैं FIR वापस ले लूंगा और केस भी खत्म हो जाएगा। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो गुस्से में आया और मेरे से जबरदस्ती करना शुरू हो गया। ऐसे बच के भागी, उसकी मिन्नत की, उसके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं माना। उसके आगे सिर्फ एक जुनून सवार था, मैंने उसे अपने रिश्ते का भी वास्ता दिया, वो नहीं रुका। शायद अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, मैंने उससे खुद को छुड़ा के मैं भागी। बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, सामने मेरे माँ बाप खड़े हुए थे और मैं Assalamualaikum, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।